सो यस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई यार जैसे कि तुम लोगों को पता है मैंने चैलेंज ले रखा है एक्समेट में टॉप 1 पे जाने के लिए इंडिया के अंदर भाई, लेकिन अभी तक हम डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं पहुंच पाए हैं और सीजन भी आ चुका है। तो आज मैं एक ट्रिक यूज करने वाला हूँ। वो ट्रिक ये है कि भाई मैं 3 किल करूंगा और टॉप 20 में आते ही एलिमिनेट हो जाऊंगा। तो चलो भाई यार इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज मैं यही कोशिश करूंगा कि डिस्ट्रिक्ट में तो भाई आई जाओ यार, बहुत दिन हो गए भाई, अब तो डिस्ट्रिक्ट में आना पड़ेगा। तो भाई पहले मैच में स्टार्ट हो जाता है कलारी, जहाँ पे मैं रिफाइनरी पा जाता हूँ और आते ही भाई मैं यहाँ पे बंदा जीत जाता है जिसको मैं भाई एक से मार देता हूँ, और ऊपर भी एक बंदा होता है जो मुझे डैमेज दे रहा होता है उसको भी भाई मैं एक से फिनिश कर देता हूँ। 2 किल में हो गए थे बट मुझे एक्सीडेंट नहीं मिली थी, एक और बंदा मुझे दिख जाता है उसका टीम में उसको भी मैं मार देता हूँ, और नीचे एक लड़की बैठी हुई थी इसको भी मैं मार ही देता हूँ, और भाई यहाँ पे एक और लड़की मुझे आती हुई दिखती है भागती हुई इसको भी भाई मैं हेड मार के खत्म कर देता हूँ, और भाई यहाँ पे मुझे एक और इसको भी भाई मैं हेड मार देता हूँ, और मेरे यहाँ पे 6 किल हो जाते हैं पर मुझे एक्समेट मिल जाती है। अब भाई मुझे लूट में ऐसे एक्समेट मिलते हैं, 8 किल लूट में आता हूँ मैं, और यहाँ एक बंदा दिखता है जिसको मैं मार देता हूँ एक्समेट से ही हेडशॉट, और यहाँ पे मैं आस्ट्रेल लूटता हूँ और भाई यहाँ पे बहुत अच्छे लूट मिलते हैं मुझे, पर पीछे एक और बंदा मुझे मार देता है जिसको मैं मार देता हूँ, और मैं टॉप 20 में आ गया था और मैंने एक्सीडेंट से 3 किल भी कर दिए थे। यहाँ एक और बंदा इतना जिसको मैं मार देता हूँ और अब मैं भाई होने वाला था एलिमिनेट। यहाँ मैं लैंडमाइन लगाता हूँ बट मैं एक गलती करता हूँ कि मैं अपना आर्मर नहीं उतारता, तो इस वजह से मैं एलिमिनेट नहीं हो पाता हूँ। फिर मैं यहाँ पे नेड मारता हूँ भाई, लेकिन मैं नेड से भी नहीं मरता हूँ भाई, फिर भाई मेरे पर नेड भी खत्म हो गया तो मैं लूट करके जाता हूँ लैंडमाइन, और भाई लैंडमाइन से फिर मैं लगाता हूँ लैंडमाइन को, और यहाँ पे भाई मैं फिर भी नहीं मरता हूँ, बट भाई फिर मैं सोचता हूँ कि जोन में जाकर मर जाऊँ, और यहाँ पे मैं अपना 100+ लगा के नेक्स्ट मैच स्टार्ट कर देता हूँ। और भाई नेक्स्ट मैच भी हमारा कलहारी भी लगता है, और हमेशा की तरह मैं रिफाइनरी पर आ जाता हूँ, नीचे बंदा होता है मुझे एक्समेट भी मिल गई थी तो मैं फटाफट से मैं इस बंदे पर रश करके इसको मार देता हूँ, भाई पता नहीं ये बंदा क्या सोच रहा था, और भाई इसको मैं हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ। फिर यहाँ पर भाई दूसरी लड़की मुझे फाइट करते हुए जितने थर्ड पार्टी करने आ जाता हूँ वो इनको मार देता हूँ, और भाई ये लड़की पता नहीं क्या खड़ी होकर सोच रही थी इसको मैं हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ, और यहाँ पे भाई इसमें लूट में मिल जाती है मुझे, तो मैं लैंडमाइन लगा देता हूँ, बट भाई यहाँ पे मैं एक गलती कर देता हूँ कि पहली गलती तो मैं आर्मर नहीं उतारता, दूसरी गलती अभी आपको पता चलेगी, ये बंदा भाई मुझे मार देता है रिस्पेक्ट नाम का बंदा, और भाई यहाँ पे मैं देखता हूँ तो सिर्फ मुझे 13+ मिलता है। अभी 13+ मुझे इसलिए मिला क्योंकि मैंने टॉप 20 से पहले ही एलिमिनेट हो गया, और भाई नेक्स्ट मैच बरमूडा लग जाता अपना, यहाँ पे मैं क्लब तौर पर आ जाता हूँ कि मुझे एक्समेट मिलेगी और जो मिल भी जाती है, यहाँ एक लड़की होती है इसको मैं ओनली रेड मार के फिनिश करता हूँ, और भाई मैं इस लड़की को मार के और बंदा दिख जाता है उसको मैं रेड मारता हूँ, भाई पीछे एक और लड़की दिख जाती है इसको भी मैं मार ही देता हूँ, और यहाँ पे भाई पूरे ट्रिपल टेक डाउन अपने हो गए थे एक्समेट से, और यहाँ पे भाई इसको 4, 5, 6 और 7 किल करके एलिमिनेट हो जाता हूँ, और ये मैच हमारा पूरी हो जाता है। तो भाई यहाँ पे हमारा नेक्स्ट मैच स्टार्ट हो जाता है, वो भी होता है नेक्स्ट है ना मैप, और यहाँ आ जाता हूँ मैं फॉर्म टॉप पे, लेकिन मुझे एक बंदा दिख जाता है इसको मैं बराबर से हेडशॉट मार के फिनिश कर देता हूँ, और भाई आगे आता हूँ तो मुझे एक और लड़की दिख जाती है इसको मैं ट्राई करता हूँ M1873 से मारने का, मतलब भाई छोटी शॉट गन से, पर भाई ये मरती नहीं तो मैं इसे रीसेस से मारता हूँ, और एक और बंदा दिखता है इसको मैं बराबर से बॉडी बॉडी मार के फिनिश कर देता हूँ, और भाई मैं आगे जा ही रहा होता हूँ बट ये बंदा भाई मुझे पीछे से बॉडी बॉडी मार के खत्म कर देता है, और मुझे एक्समेट भी मिलती, और ये मैच हमारा बेकार हो जाता है भाई, और इस मैच में भाई एक्समेट नहीं मिली तो हमें कोई भी प्लस नहीं मिलता, तो मैं नेक्स्ट मैच स्टार्ट कर देता हूँ। तो भाई नेक्स्ट मैच हमारा लग जाता है बरमूडा, तो मारे तो पीक पर, और यहाँ मुझे एक बंदा दिखता है जिसको मैं ओनली रेड मार के भाई P90 से फिनिश कर देता हूँ, और यहाँ एक लड़की जा रही होती है इसको भी मैं ओनली रेड मार के फिनिश करता हूँ, बट भाई यहाँ दिक्कत हो जाती है वही बंदा जिसको मैंने P90 से ओनली रेड मारे थे वो मेरे पीछे आ जाता है, और भाई मुझे बहुत ही ज़्यादा डैमेज कर देता है 50 KHP को छोड़ता है, और मैं इतने हील ही कर रहा था वो बंदा भाई मेरे ऊपर रश कर रहा होता है धीरे धीरे, अब मेरे पे कोई लॉन्ग रेंज गन भी नहीं थी जैसे मैं उसे मार सकूँ, तो मैं भाई यहाँ पे लैंड माइन लगा देता हूँ कि वो यहाँ पे घुस गया था भाई मेरी ग्लू में, और मैं पीछे घूम के आता हूँ इसको भाई बहुत ज़्यादा डैमेज देता हूँ और एक हेड भी मारता हूँ, बट भाई मैं कांचुए लगाता हूँ ये यूज अच्छे से नहीं होता, और भाई उसके पास 2 कट्टा होती है भाई M1887, और भाई मैं हील करता हूँ बट वो बंदा भाई अंदर जाके कहीं कैंप करके बैठ जाता है, मुझे पता नहीं होता वो कहाँ पे है, तो मैं अंदर जाता हूँ, मैंने ये गलती कर दी कि मैं उसके ऊपर रश करा, और भाई मैं यहाँ पे आ गया और वो मुझे 2 गोली मार देता है M1887 की, पर मैं भी उसे मार देता हूँ, मेरी छोने खुल जाती है, तो ये वाला मैच भी हमारे हाथ से चले जाता है, और
एक्स अमाउंट में नहीं मिलती तो भाई कोई प्लस में नहीं मिलता, तो ये मैच भी हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो भाई अपने नेक्स्ट मैच स्टार्ट हो जाता है बरमूडा, और भाई यहाँ पे मेरे साथ बंदा उतरा था, मैं आता हूँ क्लॉक टावर पर, तो एमपी5 उठाती हूं भाई, मैं थोड़ा डैमेज देता हूं, थोड़ा भी बहुत डैमेज देता हूं, सब लगा के इसको भाई पूरा फिनिश कर देता हूं। भाई आप मुझे एक्स अमाउंट मिल जाती है तो भाई एक बंदा मुझे दिखता है इसको मैं डैमेज देता हूं, भाई एक बंदा यहाँ पे हमारे पास जा रहा होता है इसको मार देता हूं, और यहाँ से भाई मैं जल्दी से रिक्शा उठाता हूं, उसके बाद जाता हूं, पर मैं यही रुक जाता हूँ क्योंकि भाई वो बंदा मेरे ऊपर एम लगा के बैठा हुआ था, तो मैं सोचता हूँ उसके ऊपर नेट डालने की, बट भाई मैं नेट नहीं डालता, मैं इसके ऊपर भाई फटाफट से रश कर देता हूँ, और इधर भाई एक समय से इसको हेड मार के फिनिश कर देता हूँ, और ये बंदा वही था इसको भाई मैं पहले मारता हूँ। यहाँ पे एक और बंदा होता इसको भाई मैं बहुत देखे बॉडी बॉडी मार के फिनिश कर देता हूँ, और एक और बंदा मुझे यहाँ पे दिख ही जाता, पता नहीं भाई ये क्या कर रहा होता है यहाँ पे खड़ा होकर, तो इसको पहले मैं एक हेड मारता हूँ, फिर भाई मैं बॉडी बॉडी और हेड मार के फिनिश कर देता हूँ, और भाई मैं इतने से लूट रहा होता हूँ ना भाई, पीछे पैकर की गोली मार देता है, तो मैं जल्दी से उस पर भाई मेडी मार देती हूँ, उसको भाई हेड शॉट मार के फिनिश कर देता हूँ, नाटक करता हूँ भाई मैं, नाटक नहीं। और यहाँ पे भाई मैं एटलीस्ट एक और लड़की दिखती है जिसको मैं भाई डैमेज देता हूँ, और डैमेज देता हूँ, और भाई इसको फिर मैं बॉडी मार के फिनिश कर देता हूँ, फिर मैं आ जाता हूँ भाई वेंडिंग मशीन पे तस्वीर लगा के फटाफट से, और यहाँ से भाई जल्दी से हेडलिस्ट ले लेता हूँ, और मैं हेडलिस्ट लेते यहाँ पे पूरे भाई इतने बंदे जितने क्या बोलूँ, पहले भाई एक बंदे को मैं हेडशॉट मार के फिनिश कर देता हूँ, और यहाँ पे अपना हेडलिस्ट भी भाग रहा होता है जो कि मैंने डैमेज दे रखा था उसको, और इसको भी भाई हेडशॉट मार के फिनिश कर देता हूँ, और भाई आगे आता हूँ यहाँ पे मैं वेंडिंग मशीन पे एक और हेडलिस्ट मैंने जा रहा था, बट ये बंदा मुझे दिख जाता है, इसको मैं मार के 10 किल करते ही भाई एलिमिनेट हो जाता हूँ, क्योंकि भाई अब मेरे को और ज़्यादा किल चाहिए नहीं था और टाइम भी मेरे पास बहुत कम था, यहाँ पे भाई मैं एलिमिनेट हो जाता हूँ, और भाई एक बंदा आता है जिसको भाई नेट से डैमेज लगता है और फिर वो भाग जाता है, यहाँ पे 100 का अपना प्लस लग जाता है, और मैं नेक्स्ट मैच को स्टार्ट कर देता हूँ। तो भाई ये था अगला मैच जो भी लगता है भाई नेक्स्ट एरा पे, और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ फॉर्म टोपिया के अंदर, और भाई यहाँ पे मुझे एक्साइटमेंट मिल जाती है और एक बंदा भी दिख जाता है, पर उससे पहले भाई ये लड़की यहाँ पे खड़ी रहती है, इसको मैं मार देता हूँ, फिर मैं भाई आगे आता हूँ, यहाँ पे भाई वही बंदा मुझे दिख जाता है, इसको मैं ओनली हेड मार के फिनिश करता हूँ, फिर भाई यहाँ से मैं जिपलाइन से जा ही रहा होता हूँ, बट ये बंदा बीच में भाई मैं उंगली कर रहा था, तो भाई मैं इसको भी मार देता हूँ, और भाई मैं आगे यहाँ पे बैठ के मेडी लगा रहा था, लेकिन भाई एक और बंदा दिख जाता है जिसको मैं भाई हेडशॉट मारता हूँ पहले, और फिर भाई इसको बॉडी बॉडी मार के फिनिश कर देता हूँ। और भाई ये मैच था सबसे ज़्यादा खतरनाक मैच, भाई इस मैच में मैंने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है, और यहाँ पे मैं हेडलिस्ट लगा के आ रहा था, और हेडलिस्ट यहाँ पे भाई आज कल लूट रहा होता है इसको मैं मार देता हूँ, यहाँ पे मुझे 3 बंदे दिखते हैं जिसमें से भाई मैं एक को UMP से मार देता हूँ गाड़ी से डैमेज देकर, दूसरे को एक मैट से मार देता हूँ, और भाई सामने ही बहुत सारे बंदे होते हैं, यहाँ पे एक को हेडशॉट मार के फिनिश करता हूँ, भाई एक और बंदा होता है इसको भी मैं हेडशॉट मार के फिनिश करता हूँ बॉडी बॉडी, और इसको भी हेड मार देता हूँ भाई, यहाँ पे भाई एक और बंदे लड़ रहे होते हैं, इनको भी भाई बहुत डैमेज दे के फिनिश कर देता हूँ, और यहाँ पे भाई एक बंदा भागता हुआ मुझे दिखता है, तो मैं यहाँ पे फटाफट से इसको मारने जाता हूँ, लेकिन उससे पहले एक और बंदा आ जाता है, इसको मैं मारने की कोशिश करता हूँ, और भाई इसको मैं बहुत ज़्यादा डैमेज दे के मार भी देता हूँ, बट उससे पहले मुझे एक और बंदे की लोकेशन पर चली जाती है, तो भाई मैं इस बंदे को भी डैमेज देता हूँ, और वो बंदा मुझको मार रहा होता है, तो मैं उसको भी भाई डैमेज दे देता हूँ, और भाई इसको भी हेडशॉट मार के फिनिश कर देता हूँ। अब भाई मेरी इधर जो लड़की भाग के गई थी मैं उसको ढूंढ रहा था, बट भाई वो मुझे यहाँ पे मिलती रही है, लेकिन भाई फिर 13 किलो हो गए थे भाई। यहाँ पे देखो भाई ये बंदा दिख जाता है पोलो नाम का, इसको भी मैं मार देता हूँ भाई, पीछे तो कोई मुझे मार रहा होता है, तो इसको भी मैं हेडशॉट मार के फिनिश कर देता हूँ। 15 किलो हो गए थे मैंने वहाँ पे भाई, सामने को लड़की मुझे भागती हुई दिखती है, मैं उसको मार दे रहा था, बट उससे पहले भाई एक यहाँ से लड़की आ जाती है जिसको मैं बहुत ज़्यादा डैमेज देता हूँ, बट ये भाग जाती है, इसको भाई मैं इधर डैमेज दे दे के भाई पागल कर देता हूँ, और फिर भाई आगे जाके इसको हेडशॉट मार के फिनिश कर देता हूँ। और भाई यहाँ पे सिर्फ 10 बंदे बचे हुए थे, मैं सोचता था भाई टॉप किल करके जाऊँगा, यहाँ पे 25-30 या एक और बंदा होता है, इसको भी भाई मैं मारता हूँ, बट ये कटारे की वजह से बच रही थी, बट ये मर जाता भाई, ये बंदे भी मर जाता है यहाँ पे हेडशॉट से। इधर भी भाई बॉडी बॉडी मार के भाई इस बंदे को मैं मार देता हूँ, सामने एक और बंदा इसको भी मैं मार देता हूँ, और भाई यहाँ पे मैं आगे जा रहा था, यहाँ पे एक बंदा भाई फार्मर से मुझे मार रहा होता है, इसको भी भाई मैं डैमेज दे के मार देता हूँ, उधर से ये बंदा मुझे मार रहा होता है, इसको भी हेडशॉट मार देता हूँ, और भाई नीचे एक और बंदा होता है, इसको भी हेड मार देता हूँ, और भाई यहाँ पे एक और लड़की आ रही थी, इसको भी भाई मैं हेडशॉट मार के भुइया कर लेता हूँ, और भाई मैं अपना रिकॉर्ड तोड़ देता हूँ हाईएस्ट किल का। पहले भाई मेरा रिकॉर्ड था 24 का, और भाई अब हो चुका 25 किल्स का, और इसी के साथ हमारा एक्समेंट का 100 प्लस हो जाता है। बट भाई देखो मैं आपको सारे मैच नहीं दिखा सकता क्योंकि भाई एक घंटे से ऊपर की वीडियो हो जाएगी,
तो गाइस इस वजह से मैं आपको लास्ट मैच दिखाने वाला हूँ अपना जो मैंने लगाया था। तो चलो भाई देखो लास्ट मैच। सो गाइस दिस इज आवर लास्ट मैच। और भाई यहाँ पर भाई मैं आ गया था बरमूडा में रिम नाम विलेज। तो यहाँ पर मुझे एनिमी में दिखता है, इसको मैं डैमेज देता हूँ, बट भाई पीछे से एक लड़की मुझे मार रही होती है। भाई यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो तो भाई मैं डील करूँगी आप में किल को कन्फर्म करूँ, लेकिन भाई वो बंदा वहाँ पे छुप जाता है। मैं यहाँ पर आराम से मेडी मार रहा था लेकिन भाई वो बंदा फिर से निकल जाता है। तो भाई मैं पहले उसको मारने की कोशिश करता हूँ बट भाई गोली उससे ज़्यादा लगती है नहीं। अब भाई एक और गोली मारता हूँ, मैं और गोली मारता हूँ और गोली मारता हूँ और यहाँ पे इसको फिनिश कर देता हूँ। अब भाई मैं आराम से हीलिंग करता हूँ और उस बंदे का वेट करता हूँ। भाई हील करके मुझे लड़की यहाँ तक भगा के ले आती है। भाई ये देखो भाई पीछे जी वो लड़की, इसको भाई मैं हेडशॉट मार के फिनिश कर देता हूँ। बट भाई यहाँ से जब मैं आ गया जा रहा था ये बंदा भाई खराब कर देता है पूरा मूड, एक फुट्टी साउंड से मुझे हेड मार के खत्म कर देता है। और भाई यहाँ पर हमारा भाई सिर्फ आर्ट का प्लस मिलता है। और भाई हम डिस्ट्रिक्ट पे भी नहीं आए हैं आज की डेट पे, मैं आपको दिखाता हूँ अभी मेरा क्या स्कोर है। भाई 14-31 मेरा स्कोर है, टॉप 55% में हूँ मैं। और मुझे डिस्ट्रिक्ट में आने के लिए भाई 4000 से ऊपर यानी कि भाई कम से कम 5000 स्कोर चाहिए। तो भाई मैं आपसे ये प्रमिश करता हूँ आप जो भी भाई नेक्स्ट वीडियो आएगी संडे को या मंडे को, उस वीडियो में भाई मैं डिस्ट्रिक्ट में आके ही वो वीडियो डालूंगा। अगर मैं डिस्ट्रिक्ट में नहीं आया तो भाई मैं उस वीडियो में डालने वाला हूँ। तो चलो भाई यार आज की वीडियो को तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।